आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कुदरत का अग्निकुंड, कुदरत सचमुच कितनी बेरहम हो सकती है, ये देश में सैलाब के हालात साफ बताते हैं। अब हम आपको दिल्ली से करीब 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिका के कैलिफोर्निया लिए चलते हैं, जहां जंगलों में फैली आग ने विकराल रूप इख्तियार कर रखा है। जंगलों में आग इतनी विकराल रूप से फैली है कि अब तक सैकड़ों घर इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि लाखों हेक्टेयर जंगल भी जलकर राख हो चुके हैं। आग से प्रभावित इलाके को खाली कराने में जुटी हुई है। So our strike team is assigned up here to assist the citizens in the area and assigned to do structure protection. And so we're up here trying to identify any hot spots that we can see and that we can safely reach and just do our best that we can do to keep the homes preserved in the area. बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया पर टूटी ये आफत उस वज्रपात का नतीजा है, जिसने 72 घंटे में कैलिफोर्निया के अलग अलग इलाकों पर कई बार हमले किए। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि महज 72 घंटे के भीतर 11,000 से ज्यादा बार इस इलाके पर आकाशीय बिजली गिरी और इसी आकाशीय बिजली की वजह से ये जंगल आग की आगोश में समा गए। राज्य में पिछले 72 घंटे में 11,000 बार वज्रपात होने की वजह से 367 जगहों पर आग लगने की खबर है। राहत बचाव कार्य जारी है और इस आग को काबू करने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं। आसमान को छूती इन लपटों की वजह से अब तक सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं, जबकि हजारों लाखों हेक्टेयर जंगल इस आग की जद में आकर खाक हो चुका है। कैलिफोर्निया के गवर्नर की माने तो इस तरह से आग के बाद तबाही और बर्बादी की तस्वीरें उन्होंने पहली बार देखी हैं। हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं जहां आग की वजह से हालात इतने विकराल हो गए हैं। हमने कई सालों तक ऐसा नहीं देखा है। दमकल की 375 गाड़ियां राज्य के बाहर से मंगाई गई हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया में इस अग्नि तांडव की वजह से 50 से ज्यादा इमारतों को भारी नुकसान पहुंच चुका है, जबकि हजारों की संख्या में लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। जंगल की आग ने उत्तरी कैलिफोर्निया के वैकविल शहर के पास भी भारी तबाही मचाई है। दावा किया जा रहा है कि यहां करीब 19,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस आग की वजह से तबाह हो चुकी है। इस आग के भयावह रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस आग का धुआं सैन फ्रांसिस्को तक फैल गया है। तेजी से फैल रही आग की वजह से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। एंग्विन और डियर पार्क जैसे इलाकों से हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। असल में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस वक्त जंगलों में जो आग लगी है, ये घटना कोई नई नहीं है। ऐसी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं और लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इस बार
585 जगहों पर बिजली गिरने की वजह से यह आग लगी, जो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में दो हिस्सों में लगी इस प्रचंड आग ने आकार के आधार पर पुराने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी इस आग की वजह से 10 लाख एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट का आंकलन है कि इस आग ने 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। इस आग की वजह से 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है, जबकि 700 से ज्यादा घर और दूसरी इमारतें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया के इस अग्निकांड ने हजारों लोगों की जिंदगी को एक झटके में दर बदर कर दिया है। ये आग कब काबू में आएगी, ये भी अभी तक एक सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम विभाग ने फिर से आग लगने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल इस मिशन में जुटे फायर फाइटर्स लगातार बोइंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं। जंगल में फैली इस आग की चेन को तोड़ने के लिए फायर फाइटर्स की एक बड़ी टीम दिन रात उन इलाकों में आग बुझाने का काम कर रही है, जहां से सबसे ज्यादा आग फैलने का खतरा बना हुआ है। जो अलीगढ़ की घटना हुई है, जहां महिलाएं भगवान राम की इबादत कर रही थी, उनको धमकी दी गई, आप उसके साथ खड़ी उनके खिलाफ खड़ी। इन लोगों का दोहरा चरित्र हमें एक बार नहीं, हमें सौयों बार ऑलमोस्ट एवरीडे देखने को मिलता है। बोल रही हूं, आराम से बात करिए शोएब भाई, जवाब ले लीजिए, बोल रही हूं। ये तो कागज है अखबारों की कटिंग है शोएब जमाई जी, आपको पता है लव जिहाद का वर्ल्ड कहां से आया? इन आप हिंदू मुस्लिम मैं जवाब हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। अच्छा, मुशीराबाद के अंदर फतवे पे डब्बा खोलोगे आपका तो चीफ साहब, जब आप दोस्त उस फतवे के ऊपर टीवी देखना गुनाह हो गया। जी हाँ, ऐसे बिका पाकिस्तान। कर्ज में मिले पैसे और दान में मिले हथियारों के दम पर ताकतवर नहीं बना जाता। लेकिन इमरान खान को ये बात कहां समझ में आने वाली, उन पर तो बस एक ही जुनून सवार है, बस किसी तरह भारत को जंग के मैदान में चुनौती देना। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हालात ये है कि इमरान खान ने हथियारों के लिए अपने देश पाकिस्तान को चीन के हाथों बेच दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, इमरान खान ने पाकिस्तान को बेच दिया है, वो भी चंद कुछ बड़े हथियारों के लिए। दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच हथियारों के लिए एक समझौता हुआ है, जिसके तहत 2035 तक पाकिस्तान को कई बड़े हथियार मिलने हैं, और इसके लिए रख दी गई है गिरवी पाकिस्तान की संप्रभुता, वो भी बीजिंग में। जंग की तैयारी में जुटा पाकिस्तान। चीन की धरती पर रची गई साजिश। एलओसी पर है बड़े धमाके की तैयारी। टैंक से लेकर मिसाइल तक होंगे तैनात। चीन पाकिस्तान को लेकर अभी तक की यह सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश है। इमरान खान के खौफ का यह सबसे बड़ा सबूत है। भारत से डरकर इमरान खान शी जिनपिंग के चरणों पर गिरे जा रहे हैं, और चीन खुद भारत के बढ़ते रसूख और बढ़ती ताकत से खौफ खाए बैठा है। लेकिन क्या करें, भारत से मात खाकर भी चुप तो नहीं बैठ सकते। लिहाजा पाकिस्तान ने चीन से मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसे अंतिम रूप दिया गया पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की चीन यात्रा के दौरान। पाकिस्तान पहले से ही चालबाज था, लेकिन चीन का साथ पाकर पाकिस्तान और ज्यादा शातिर हो गया है।
पाकिस्तान भारत की ताकत को समझता है, इसलिए खौफजदा है और डर कर अब वो छुप कर नई साजिश बना रहा है। और ऐसे में चीन से वो अपनी सेना के लिए हथियार भी मांग रहा है और चीन भी पाकिस्तान को हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। हथियारों के लिए चीन और पाकिस्तान ने चोरी छुपे एक समझौते को अंजाम दिया है। समझौते के तहत पाकिस्तान को चीन से 2035 तक कई हथियार मिलेंगे। पाकिस्तान को टैंक, मिसाइल से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट गन मिलने वाला है। लेकिन पाकिस्तान को इस समझौते के लिए एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। चीन से हथियार खरीदने के लिए इमरान खान को क्या गिरवी रखना पड़ा है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन से हथियार हैं जिसे चीन सुपारी किलर बनाकर पाकिस्तान को सौंपने जा रहा है। भारत की टैंक रेजिमेंट के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत कांपने लगती है। हिंदुस्तान के जवानों ने इसी भीमकाय मशीनों के दम पर पाकिस्तान को हर जंग में मात दी है। पाकिस्तान ने सबसे पहले चीन से भारतीय टैंकों का जवाब मांगा। जब टैंक की मदद के लिए पाकिस्तान ने चीन के आगे हाथ फैलाए, खासतौर पर इमरान खान जब शी जिनपिंग के आगे गड़गड़ाए कि उन्हें नए टैंक चाहिए, तो शी जिनपिंग ने इमरान खान से वादा किया कि उन्हें वो टैंक तो नहीं देंगे, लेकिन जो टैंक पाकिस्तान के पास मौजूद हैं उन्हें ये और ज़्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। पाकिस्तान के इन टैंकों में और ज़्यादा ताकतवर इंजन लगवाएंगे, हैवी गन लगवाएंगे और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के पास मौजूद इस अल खालिद टैंक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके देंगे। पाकिस्तान के पास ले देकर एक यही टैंक है जिसमें चीन और पाकिस्तान को भारत का जवाब दिखता है। अल खालिद टैंक को पाकिस्तान ने चीन की मदद से 1990 में तैयार किया था, लेकिन इसका मौजूदा ढांचा भारत के भीष्म के आगे कहीं नहीं टिकता, लिहाजा चीन की मदद से इसे आधुनिक रूप दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए चीन अल खालिद 1 टैंक तैयार कर रहा है। 110 टैंक चीन की एक कंपनी तैयार करेगी। हर साल 22 टैंक बनाने का लक्ष्य तैयार किया गया है। अल खालिद 2 टैंक के लिए चीन शक्तिशाली इंजन पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान के 90 T-85 टैंकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही 360 मेन बैटल टैंक VT-4 खरीदने की भी बात चल रही है। VT-4 टैंक चीन की सेना का एक अहम टैंक है। इसे चीन की तीसरी पीढ़ी का टैंक कहा जाता है। इसे MBT-3000 नाम से भी जाना जाता है। इसे चीन ने 2009 में तैयार किया था। पाकिस्तान को आज भी 2019 में हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक का खौफ सताता है, जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों के चीथड़े उड़ा दिए थे। इससे सहमा पाकिस्तान अब चीन से एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदने की फिराक में है। पाकिस्तान ने चीन से एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदने का समझौता किया है, जिसके तहत 12.7 mm की 750 एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदी जाएंगी। पाकिस्तान चीन से इस गन की तकनीक भी खरीदेगा। इसके अलावा पाकिस्तान चीन से 155/52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम भी खरीदने वाला है। वहीं पाकिस्तानी फौज की SH-15 तोपों को आधुनिक घातक रूप देने की तैयारी है। ये सब कुछ बस इसलिए
ताकि वक्त पड़ने पर पहाड़ी इलाकों में हिंदुस्तान की सेना को चुनौती दी जा सके। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल रहा है, जंग हथियारों के दम पर नहीं बुलंद हौसलों से जीती जाती है, और बुलंद हौसलों का जन्म होता है स्वाभिमान और गर्व से। लेकिन पाकिस्तान तो इसका मतलब ही नहीं जानता, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान के स्वाभिमान को शी जिनपिंग के बूटों तले रख दिया है। चीन ने पाकिस्तान के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। अरबों करोड़ों रुपए मदद के तौर पर हथियारों के लिए चीन दरअसल पाकिस्तान को दे रहा है। लेकिन चीन जो है वो बहुत ही चालाक व्यापारी है, अपने पैसों को कैसे वसूलें ये चीन बखूबी जानता है। कर्ज लेकर गुलाम बनाने की जो फितरत है वो चीन की बहुत पहले से रही है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन सब के बीच पैसे लेकर खुद ही अपने देश को गिरवी रख रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान की मदद के लिए जो मसौदा तैयार किया है, इसके लिए शी जिनपिंग ने उसी अधिकारों का प्रयोग किया है जो वो अपने तिब्बत जैसे प्रांतों की मदद के लिए करते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर रखा है, यानी चीन के दस्तावेजों में ही सही अब पाकिस्तान चीन का एक प्रांत है। अब इमरान इस बात को समझते हैं या समझते हुए भी नासमझ बने हुए हैं, ये तो वही जाने। लेकिन इतना तय है कि इमरान खान ने अपने देश को चीन के हाथों बेच दिया है। एक तरफ भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मसालों से लेकर मिसाइल तक के लिए चीन पर निर्भर है। यह निर्भरता पाकिस्तान की बर्बादी और गुलामी का सबब बनती जा रही है। भारत के सामने खुद को मजबूत बनाने के लिए इमरान खान और उनके मंत्री इतने गिरते जा रहे हैं कि अपने ही देश को चीन के हाथों बेच दिया। हथियारों की खरीदी के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ नया समझौता किया है, उससे पाकिस्तान अब पूरी तरह चीन का गुलाम बन चुका है। लेकिन इमरान खान के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा है, इमरान को इस वक्त केवल हथियार नजर आ रहे हैं। जमीन से हवा में हमला करने वाली मिसाइल, दुश्मन के चीथड़े उड़ा देने वाला टैंक, उड़ते विमानों को गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम, दुश्मन के खेमे में हलचल मचा देने वाला रॉकेट लॉन्चर, ये वो हथियार हैं जिन्हें पाने के लिए पाकिस्तान परेशान है। इमरान खान इसके लिए अपने देश को चीन के हाथों गिरवी तक रखने से नहीं हिचके। फिलहाल इमरान खान के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, वो बस यही सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे हथियार पाकिस्तान के जखीरे में शामिल हो जाएं जिसके दम पर वो भारत को चुनौती दे सकें। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ एक बेहद अहम समझौता किया, जिसके तहत पाकिस्तान की जमीनी ताकत बढ़ाने के लिए चीन सबसे पहले उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन देगा, और फिर उसके बाद आसमानी ताकत बढ़ाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम देगा, मिसाइल देगा। वैसे तो पाकिस्तान के पास ये हथियार पहले से मौजूद हैं, लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में अब वो पुराने लगने लगे हैं।
हवाई ताकत में हिंदुस्तान की ताकत की कोई सानी नहीं है। रफाल विमानों के मिलने के बाद से इसकी ताकत में और इजाफा हुआ है। बात केवल रफाल की ही नहीं है, सुखोई, जगुआर और मिराज पहले भी पाकिस्तान का पसीना निकाल चुके हैं और पाकिस्तान की हवाई सेना इस मामले में पूरी तरह फिसड्डी है। लिहाजा पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए चीन से डील की है। पाकिस्तान ने जमीन से हवा में मार करने वाली QW-18 सैम मिसाइल सिस्टम लिया है। पाकिस्तान ये सिस्टम केवल भारत के हवाई ताकत की डर से खरीद रहा है। अभी तक पाकिस्तान को कुल 1391 QW-18 सैम मिसाइल सिस्टम मिल चुके हैं। वहीं चीन से पाकिस्तान को 3 FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम भी मिला है। जो 3 FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने चीन से खरीदा है, इनकी मिसाइल की मारक क्षमता 15 किलोमीटर है। इसका रडार 25 किलोमीटर की दूरी से भी मिसाइल और विमान की हरकत को कैच कर सकता है। मौसम कोई भी हो, FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम हर मौसम में कारगर है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को चीन ने कुछ समय पहले ही तैयार किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से FD-2000 रॉकेट लॉन्चर भी खरीदा है, जिसके जरिए शक्तिशाली HQ-9 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसकी रेंज 125 किलोमीटर तक होती है। ये बहुत ही महंगा सिस्टम है, लेकिन इमरान खान इसे पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। इसकी वजह यह है कि FD-2000 लॉन्चर इतना महंगा है कि अगर पाकिस्तान चीन से इसको खरीदता है तो 2035 तक वो चीन से एक गोली तक खरीद नहीं सकता। वो हालत भी पाकिस्तान की नहीं होगी और ये बात चीन उसे साफ भी कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इस लॉन्चर को खरीदने के लिए बेहद बेताब है। दरअसल पाकिस्तान जो है वो भारत से इस कदर डरा हुआ है कि वो हर कीमत के हथियार खरीद लेना चाहता है, जिसकी खरीदने की औकात भी पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की सेना को चीन ने 3 Z-10 हेलीकॉप्टर भी ट्रायल के लिए दिए हैं। Z-10 हल्के वजन का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे चीन की सेना पहले से ही इस्तेमाल करती रही है। यानी आने वाले दिनों में Z-10 हेलीकॉप्टर का जखीरा पाकिस्तान में भी नजर आ सकता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इन चाइनीज हथियारों के लिए पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता को ही दांव पर लगा दिया। एक तरफ CPEC के नाम पर शी जिनपिंग पाकिस्तान की जमीन हड़पते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने हथियार देकर चीन पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति पर भी लाल मोहर लगाता जा रहा है। यानी पाकिस्तान अपनी गुलामी के लिए जंजीर खुद तैयार कर रहा है। चीन की नई हेराफेरी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीन की सबसे बड़ी योजना सीपेक के डूबने का डर सता रहा है, और इसकी वजह है सीमा पर तनाव बढ़ाने के बाद भारत से मिला करारा जवाब और मोदी सरकार का POK वापस लेने की मुहिम तेज करना। विदेश मंत्रालय ने कल ही चीन को चेतावनी जारी की है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस इलाके में किसी भी देश की कोई भी गतिविधि भारत को मंजूर नहीं है। चीन भी इस इलाके में किसी तरह के बदलाव ना करे। इस चेतावनी के बाद चीन डरा हुआ है और यह मानने लगा है कि POK को बचाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसलिए चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि 2018 से पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में ठप पड़े काम काज को तेजी से पूरा कराया जाए और सीपेक प्रोजेक्ट की सुरक्षा बढ़ाए। साथ ही चीन ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को भी सीपेक में तैनात करना शुरू कर दिया है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के PAK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए, जान दे देंगे इसके लिए। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी
कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है, दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। नए भारत की नई तस्वीर से डरा चीन, पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है पीओके। हमारी पूरी प्लानिंग है, मैं आपको आजाद कश्मीर की असेंबली को, कश्मीर के लोगों को, मैं आज आपको पूरे इत्मीनान से कहता हूं कि हर फोरम के ऊपर हम इसको उठाएंगे। शी जिनपिंग को सताने लगा सीपीईसी डूबने का डर, अपनी सेना सीपीईसी में तैनात करेगा चीन। चीन को पाकिस्तान अपना ऑल वेदर फ्रेंड मानता है, लेकिन अब चीन का भरोसा पाकिस्तान के ऊपर से उठ चुका है। चीन को लगने लगा है कि पीओके जल्द ही पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है और वहां तिरंगा लहरा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चीन जानता है कि उसके खरबों डॉलर के प्रोजेक्ट कबाड़ बनकर रह जाएंगे। उसकी सबसे महत्वपूर्ण योजना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। चीन का ये डर बढ़ा है नए भारत की नई तस्वीर से। चीन ने लद्दाख में सीमा विवाद ये सोचकर बढ़ाया था कि भारत कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन तनाव के माहौल में जैसा जवाब चीन को मिला उससे उसके सारे गुमान धुल गए। प्रधानमंत्री मोदी खुद लेह के दौरे पर गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आपकी इच्छा शक्ति आस पास के पर्वतों जितनी अटल है। भारत की रक्षा में जुटे इन जवानों के बीच से प्रधानमंत्री ने चीन को बता दिया कि सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है, दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। चीन की बेचैनी तो उसी दिन बढ़ गई थी जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके वापस लेने का ऐलान कर दिया था। जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, मान्य सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। शनिवार को विदेश मंत्रालय की एक चेतावनी ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। 21 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीच एक बेहद अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम को और ज्यादा तेज करने पर बातचीत हुई, सहमति बनी, लेकिन साथ ही कश्मीर मुद्दे पर साझा बयान भी जारी कर दिया गया। लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद विदेश मंत्रालय की ओर से एक जो बयान आया उससे चीन के मन में अब डर बैठने लगा। डर इस बात का कि कहीं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डूब ना जाए। विदेश मंत्रालय ने चीन को साफ कहा है, जम्मू कश्मीर भारत का अखंड और अभिन्न हिस्सा है। भारत ने सीपीईसी परियोजना पर चीन और पाकिस्तान को बार बार अपनी चिंताओं के बारे में बताया है, क्योंकि सीपीईसी भारत की उस जमीन पर है जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पीओके में मौजूदा हालात में बदलाव करने वाले किसी भी काम का हम कड़ा विरोध करते हैं और अपील करते हैं कि ऐसी गतिविधियां बंद की जाएं। यानी साफ है कि चीन को सीपीईसी प्रोजेक्ट बंद करने की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ गई है।
इसलिए चीन ने सीपीईसी के लिए पाकिस्तान से खास सुरक्षा की मांग की है। चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि सीपीईसी की सुरक्षा बढ़ाए और इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा के नाम पर चीन पाकिस्तान को आधुनिक हथियार भी देगा। हथियार मिलने के एवज में पाकिस्तान ने चीन को सीपीईसी की सुरक्षा की गारंटी दी है। चीन के प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान 2 SSD यानी स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाएगा। ये सिक्योरिटी डिवीजन सीपीईसी प्रोजेक्ट की सुरक्षा करेगी। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में चीन के कई प्रोजेक्ट के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब SSD को विरोध करने वालों को खामोश करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। POK के साथ साथ बलूचिस्तान में भी सीपीईसी के कई प्रोजेक्ट पर BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान ने चीन से वादा किया है कि SSD चीन के प्रोजेक्ट को बलोच लड़ाकों से भी बचाएगी। बलोच आर्मी वही संगठन है जिसने 29 जून को कराची के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत उड़ा दी थी। चीन सीपीईसी प्रोजेक्ट में एक साथ कई तरफ से घिर गया है। भारतीय सेना पहले ही ऐलान कर चुकी है कि सही समय पर POK वापस ले लिया जाएगा। पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सीपीईसी चीन के लिए सबसे अहम प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट बिना POK के पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि चीन की सड़क इस इलाके से नहीं गुजरी तो कभी पूरी नहीं होगी। लद्दाख में भारत के साथ तनाव बढ़ाने के बाद चीन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत सरकार अपने इरादे जाहिर कर चुकी है और अब साफ कर दिया गया है कि POK में भी बहुत जल्द भारत का तिरंगा लहराता नजर आने वाला है। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन हेकड़ी दिखाने वाली चीन की कमर टूटनी तय है।